ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स ये एग्जैक्टली है क्या, इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा, इससे कौन जीतेगा और कौन हारेगा, एंड व्हाट इज द रेवोल्यूशन अबाउट, इसको आज समझने की कोशिश करते हैं। यूएस ने एक नया आइडिया फ्लोट किया है जिसको बोल रहे हैं ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स या फिर इंटरनेशनल कॉर्पोरेट टैक्स। पहले इसके दो मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर वन, टैक्स कंपनीज वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस नॉट वेयर द कंपनीज रजिस्टर्ड। मतलब कि जहां पर कंपनी रजिस्टर्ड है, अगर कोई इंडियन कंपनी लेट्स से TCS US में कुछ काम कर रही है, US में कुछ सेल कर रही है, तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी US में है तो US में टैक्स लगेगा, इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा इम्प्लीकेशन होने वाला है इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे, जो अभी मैं बात करूँगा। नंबर टू, सेट अ मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट टू एंड रेस टू द बॉटम ऑन कॉर्पोरेट टैक्स। अब पिछले 50 सालों में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेस चली है कि जितना कम कॉर्पोरेट टैक्स आप लिवाए करेंगे कंपनीज पे, उतनी ज़्यादा कंपनीज आपकी कंट्री में आएंगी। वेस्टर्न यूरोपियन एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंपनीज एंड अ लॉट ऑफ पैसिफिक आइलैंड कंपनीज हैव टेकन एडवांटेज ऑफ दिस। तो उनके टैक्स 6%, 7%, 10% तक रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज इन कंट्रीज में रजिस्टर करती हैं और दूसरी कंट्रीज में एज MNCs काम करती हैं। ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स कहता है कि अगर कोई कंपनी किसी एक कंट्री में रजिस्टर्ड है तो ज़रूरी नहीं है पूरा टैक्स उसको वहीं देना है। टैक्स को डिवाइड कर दिया जाएगा और डिपेंड इस बात पे करेगा कि कंपनी कहाँ पर काम कर रही है, कहाँ पर प्रोडक्ट बना रही है, कहाँ पर प्रोडक्ट सेल कर रही है, उसके बेसिस पे टैक्स लेवाए होगा। तो ये दो मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स के। अब इससे जीतेगा कौन और हारेगा कौन? विनर्स, नंबर वन, लार्ज इकोनॉमीज वेयर मल्टीनेशनल्स मेक लार्ज सेल्स बट बुक लिटिल टैक्सेबल प्रॉफिट्स, जैसे कि इंडिया, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे कि चाइना, जहाँ पे बहुत सारी MNCs काम करती हैं बट बहुत कम टैक्स देती हैं, क्योंकि वो ट्राई करती हैं कि वो रजिस्टर हो जाए सिंगापुर जैसी कंट्रीज में, रजिस्टर हो जाए पैसिफिक आइलैंड्स में, केमन आइलैंड्स में, रजिस्टर हो जाए आयरलैंड जैसी कंट्रीज में। नंबर टू, कंट्रीज विद हाई FDI इनफ्लोज ईच ईयर। अब इंडिया में बहुत FDI इनफ्लो आता है, वो FDI इनफ्लो जिस भी कंपनी ने दिया, जिस भी कंपनी ने इन्वेस्ट किया उस FDI इनफ्लो में, वो यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएगी और यहीं पर बहुत मेजर चंक उसका सेल करेगी। जब प्रोडक्शन यहीं होगी और सेलिंग यहीं होगी तो टैक्स भी मेजर यहीं लगेगा। तो जो भी कंट्रीज FDI इनफ्लोज बहुत अच्छे स्केल पर अचीव कर रही हैं, जैसे कि इंडिया, जैसे कि चाइना, उन कंट्रीज को बहुत फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से। लूजर्स, अब हारेगा कौन? नंबर वन, सिंगापुर, आयरलैंड, केमन आइलैंड्स जैसी कंट्रीज जहाँ पर, जो कि टैक्स हेवन बन चुके हैं, जहाँ पर कंट्रीज बस रजिस्टर करती हैं, छोटा सा ऑफिस खोलती हैं और उसके बाद दे एक्ट एज MNCs वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो इन कंट्रीज को नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो भी छोटा छोटा टैक्स ये इन कंपनीज से लिवाई कर पाती थी वो अब नहीं हो पाएगा, या फिर उसका रेट और भी कम हो जाएगा इनके लिए। नंबर टू, स्मॉलर कंट्रीज विच हैव लिमिटेड सोर्सेज। अब मान लीजिए इंडिया एक बहुत छोटी कंट्री है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ पर कोई कंपनी ने आकर सेटअप किया, मान लेते हैं उसने प्रोडक्शन भी वहाँ पर किया, तो प्रोडक्शन का टैक्स थोड़ा बहुत इंडिया को मिल जाएगा, बट क्योंकि मार्केट बहुत छोटी है, डिमांड बहुत कम है, लोग बहुत कम है, तो सेल्स इंडिया में नहीं होंगी, सेल्स बाहर जाकर होंगी। इस सिचुएशन में क्या होगा कि इंडिया टैक्स लूज आउट कर देगा। तो छोटी कंट्रीज को जहाँ पर लोग कम है, जहाँ पर प्रोडक्शन कम है, उनको इस ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स का काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब इंडिया के लिए क्या इम्पैक्ट होंगे ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स के, अगर ये इंडिया सपोर्ट करता है और इंटरनेशनली लिवाई करने में हेल्प करता है? नंबर वन, MNCs टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंडियन डिमांड विल हैव टू पे टैक्सेस इन इंडिया। बहुत सारी MNCs हैं जो इंडिया में सेटअप करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं और फिर एक्सपोर्ट कर देती हैं, या फिर इंडिया में ही बहुत सेल करती हैं, बट बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना, बहुत कम टैक्स देना पड़ता है, वो सारा टैक्स यहाँ से निकाल के ले जाती है, सारा प्रॉफिट यहाँ से निकाल के ले जाती है। ऐसी कंपनीज को प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अब अगर वो यहाँ के कंज्यूमर का फ़ायदा उठा रही हैं, यहाँ के लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, तो टैक्स भी उसको इसी कंट्री में देना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंज होने वाला है। सर्विस सेक्टर एक्सपोर्टर्स विल हैव टू टैक्स पे टैक्स ओवरसीज। ये एक नुकसान होने वाला है इंडिया को, बिकॉज इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत ही माना जाना माना है वर्ल्ड में, और अगर सर्विस टैक्स का जो भी एक्सपोर्ट होता है, जिस भी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर है तो टैक्स वहीं पर जाएगा, तो यहाँ पर
इंडिया की टैक्स को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, बट मैन्युफैक्चरिंग में अगर इंडिया कंपनीज को कन्विंस कर लेता है कि यहीं पर मैन्युफैक्चर करिए और यहीं पर डिमांड क्रिएट करिए, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल चेंज जो आया है वो क्या आया है, नंबर वन, इम्पोर्ट्स कैन बी गुड फॉर द इकॉनमी। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। पहले आज तक माना गया है कि इम्पोर्ट्स इकॉनमी के लिए ख़राब हैं, एक्सपोर्ट्स इकॉनमी के लिए अच्छे हैं, लेकिन अब अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हैं और अगर आपका कंज्यूमर, अगर आपका सिटीजन कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है इम्पोर्ट्स के द्वारा, देन इट इज़ हेल्पफुल फॉर योर इकॉनमी, बिकॉज उसका टैक्स भी आपकी इकॉनमी को ही मिलेगा। इंडिपेंडेंस के बाद हमने हमेशा से ट्राई किया कि हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, प्रोडक्शन बढ़ाएं, इम्पोर्ट्स पे कभी भी ध्यान नहीं गया। वी ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस आर इम्पोर्ट्स एज मच एज पॉसिबल। इनफैक्ट महालानोबिस मॉडल भी यही कहता था कि इम्पोर्ट्स कम करो, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ, प्रोडक्शन को बढ़ाओ, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को क्रिएट करो जो कि एक्सपोर्ट्स में हेल्प कर सके। अब जो एक पूरा ये मॉडल है ये फ्लिप हो जाता है ऑन इट्स हेड, क्योंकि इम्पोर्ट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे और इम्पोर्ट्स भी उतने ही यूजफुल हो जाएंगे टैक्स पर्सपेक्टिव से जितने की एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो यूएस क्या कर रहा है, यूएस पूरे गेम के लॉज ही चेंज करने की कोशिश कर रहा है। गेम था एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा कोई कंट्री करेगी उतना ज़्यादा उसके फॉरेक्स रिजर्व होंगे, उतना ज़्यादा वो ग्लोबली अपनी एक कमांड क्रिएट कर पाएगी, जो कि चाइना बहुत करने में कर रहा था बहुत सालों से। सो यूएस हैज़ डिसाइडेड कि भाई गेम के जो रूल्स हैं वही चेंज कर देते हैं, लेट्स मेक इम्पोर्ट्स ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, जिससे कि अगर चाइना यूएस में एक्सपोर्ट करता है सामान तो यूएस उस कंपनी को टैक्स कर सकता है और उसका फ़ायदा उठा सकता है। आई होप ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स इज कम्प्लीटली क्लियर नाउ। ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय।